फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। कैसे हो दोस्तों? इस समर के सीज़न में बहुत ही गर्मी लग रहा है, मुझे भी पता है, लेकिन हमेशा मैं कोशिश कर रही हूँ कि खुद भी खुश रहूँ, अच्छी रहूँ और आप लोगों को भी खुश रख पाऊँ। तो अभी मैं घूम फिर रही थी और आप लोग देख रहे थे मेरे हाथ में है एक बास्केट, यह है जादू का झप्पी। सारा ख्वाहिश इस झप्पी के अंदर रखा हुआ है। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें क्या है ऐसा, जो वो तो बताएंगे, लेकिन पहले बता दूं कि ये एक बास्केट है जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और ये मैंने एक लोकल मेले से परचेस किया था। ये एकदम ओरिजिनल बैम्बू का बना हुआ है और ऐसा चीज़ें घर के डेकोरेशन के लिए, ये सब चीज़ मुझे ख़रीदना और घर को डेकोरेट करना, ये सब नेचुरल चीज़ों से मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए अभी देख लेते हैं इसमें क्या है। ये बास्केट का ये हैंडल है, ये लीड है और लीड बस आधा ही खुलते हैं, पूरा नहीं खुलते हैं। इसका यही डिसएडवांटेज है, मुझे थोड़ा सा ये डिस्टर्ब करते हैं जब मैं इसको यूज़ करना चाहूँ। और इसमें है देखिए इस सीज़न का मैंगो, ये हिमसागर मैंगो है और ये बहुत ही टेस्टी है। पूरा एकदम पेड़ पे पक्का है, उसके बाद नीचे गिरा है तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़िया आता है। और इसमें है क्या है देखिए, तो इसमें है बहुत ही सुंदर सुंदर सा एंड टेस्टी टेस्टी लीच। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, लेकिन एक बात बता दूं कि ये ज्यादा खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। एक बार मैं अगर बैठ जाती हूँ फ्रूट्स खाने के लिए, स्पेशल लीची और मैंगो, तो मैं बहुत ज्यादा खा लेती हूँ। आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और एक स्पेशल सीजनल फ्रूट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वो है ये काला जामुन, जिसको मैंने देखिए ये जो ग्लास का पॉट है इसके अंदर रखा है। ये देखिए ये कुछ ब्लैक बेरी जैसे दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये जामुन फल है जो हाई ब्लड प्रेशर, शुगर जिन लोगों के है उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहते हैं और ये मुझे तो बहुत पसंद है। तो दोस्तों देखिए, मैं बस थोड़े टाइम के लिए बाहर गई थी अपने काम से और आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ एक वीडियो, उसी बीच मैं एकदम पसीने से भीग गई हूँ। कोई बात नहीं, पसीना होना भी हेल्थ के लिए अच्छा ही रहता है। आज है बाबा लोकनाथ का जन्मदिन और उस हिसाब से बंगाली ट्रेडिशन में बहुत अच्छे से पूजा होता है और उसके साथ आज पूर्णिमा भी है, तो इसीलिए एक पूजा में गए थे सहा बाबू और वहां से लाई है हम लोगों के लिए प्रसाद। तो प्रसाद को मैंने यहाँ पर रख दिया है और अभी समर के टाइम है तो प्रसाद खराब होने का चांसेस रहता है, तो इसीलिए मैं क्या करूंगी ना, सारे प्रसाद को ओपन कर दूंगी। तो ये देखिए, ये है खिचड़ी, इसमें है खीर, सब कुछ मैं ओपन करके रख दूंगी ताकि अच्छा रहे। और इसमें है फल प्रसाद और इसमें क्या है मुझे नहीं मालूम। ओ, इसमें भी है फल प्रसाद। तो मैंने सब कुछ ओपन कर दिया है, ऐसे ही रख दूंगी ताकि ये अच्छा रहे कुछ टाइम के लिए। मैं तो अभी ये नहीं खाने वाली हूँ, मुझे तो खाना है मैंगो। ये देखिए, मुझे तो खरीदा हुआ मैंगो खाना है, लेकिन ये हमारे पेड़ से गिरे हुए मैंगो है जो दिखने में बहुत सुंदर होता है। इसका स्मेल ना एकदम मतलब बहुत अच्छा होता है, इसीलिए इसका नाम ही है गुलाब खास मैंगो। तो ये आराम से बैठ बैठ के मैंगो काट करेंगे, है ना। कुछ भी अगर पसंदीदा चीज खाना हो और उसको अच्छे से बैठ बैठ के खाओ तो मजा और भी बढ़ जाता है। ये आप अगर डाइट में हो और आप वेट गेनिंग के प्रॉब्लम में हो तो आप कम से कम मैंगो खाओ, क्योंकि मैंगो में बहुत ज़्यादा कैलोरी होता है जो वेट गेनिंग के लिए हेल्प करते हैं। और जो दुबले हो, चाहते हो अपना वेट गेन करना, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंगो एंड बनाना खाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं।
बस मुझे बड़ा बड़ा पीसेस में ही मैंगो चाहिए, इसीलिए बस ऐसे कट कर लिया, अदरवाइज ऐसे ऐसे कट कर सकते हो। मुझे कुछ लीची भी खाना है अभी, उसको भी मैं छील लूंगी। नेचुरल चीजों का जैसा टेस्ट होता है, अगर उसका पूरा हेल्थ बेनिफिट्स आप लोग उठाना चाहते हो तो उसे उसी तरीके से खाना पड़ता है। लेकिन अगर आप सिर्फ टेस्ट के लिए खाते हो तो थोड़ा सा अगर जामुन के साथ नमक डाल के उसको थोड़ी देर के लिए धूप में छोड़ दो ना, तो उसका टेस्ट इतना बढ़िया बनता है, आप लोग एक बार जरूर ट्राई करके देखो। प्लेट को सजा लिया है, बहुत ही कलरफुल दिख रही है प्लेट। और ऐसे ही मैंगो को लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा काट करके खाएंगे। तो मैं तो फ्रूट एंजॉय कर रही हूँ, तब तक आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है समाप्ति BTS7354। और अगर आप चाहो तो मेरे मेंबरशिप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल में ऑलरेडी ज्वाइन बटन अवेलेबल है। सो दोस्तों चलिए आज के लिए विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों।